दोस्तों आप देख रहे हैं वीओएस 24 न्यूज़ चैनल, मैं अब्दुल समद आपके साथ। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी मौजूदगी अभी जो है मधुबनी ज़िला में है, और मेरे साथ जो बैठे हुए शख्स हैं वो मदरसा बोर्ड के शिक्षक प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये हमारे बगल में हैं। मदरसे के सिलसिले में हम कुछ इनसे बातचीत करेंगे और पूरी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल पर बहुत बहुत खुश शुक्रिया आपका भैया। परिचय, मेरा नाम रियाज अहमद सादिक हुआ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ बिहार राज्य मदरसा शिक्षक संघ का, और मेरा घर दरभंगा हुआ। सर, मदरसा में खास करके शिक्षकों का कुछ सवाल होता है, कुछ परेशानियां लोग झेल रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? मदरसे में परेशानी जो है, क्या कहते हैं, फिलहाल तो हमारी नज़र कुछ भी नहीं है, और सरकार जो आज से 10-20 साल पहले का जो टाइम टेबल था सैलरी आने का 3 महीना पर, 4 महीना पर, 6 महीना पर, वो आज दुरुस्त कर दिया नीतीश कुमार। आज वक्त पर सैलरी आ रही है, प्रत्येक महीने सैलरी आ रही है, टीचर भी टाइम पर आ रहे हैं, मदरसा को क्या कहते हैं भवन का पैसा जिला में भरा हुआ है। तो हम तो कह रहे हैं कि जो आज से 20 साल पहले जो मामला था, आज के मामला में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज भी सैलरी जो पुरानी मदरसा में 56-57 हज़ार मिल रहा है टीचर को, स्कूल के बराबर, नए मदरसा को भी क्या कहते हैं 33-34 हज़ार मिल रहा है। तो हम तो नहीं लग रहा है कि परेशानियाँ भी हैं कुछ भी। 2459 के बचे 1664 मदरसों का पेमेंट के बारे में, 2459 कैटेगरी के मदरसा जो बचे हुए 1640 मदरसा है उसका पेमेंट बहुत जल्द आने वाला है। उसमें लगभग जो है फाइल जो 1640 मदरसा की 1400 प्लस फाइल मदरसा बोर्ड जाँच होकर जा चुकी है। फिलहाल जो है उसमें कुछ फाइल बच चुकी है, लेकिन दुरुस्त फाइल जो सही मुकम्मल फाइल जिसका पेमेंट आना 50% प्रत्येक जिला से गया है, जिसे ज़मीन भवन भूमि सारा पाया गया है, 50% लगभग 800 मदरसा का पेमेंट होने की इंशाल्लाह संभावना है, बहुत जल्द होगा। मुझे लगता है कि ये सामने नीतीश कुमार का, मेरे सीएम का इलेक्शन है विधानसभा का, उससे पहले आचार संहिता से पहले 100% पेमेंट हो जाएगा। अच्छा, 2459 के अभी तक कितने मदरसों का सरकार पेमेंट कर रही? 2459 के मदरसा जो टोटल 814 मदरसा पेमेंट सरकार कर रही है, जिसमें 205 मदरसा का 2013 में पेमेंट हुआ, 609 का 2015 में हुआ, बाकी 1640 जो बच गए हैं वो इंशाल्लाह 2025 के जनवरी फरवरी तक हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल है कि बहुत सारे मदरसों में पेमेंट जो है 5-5 महीना लेट भी आता है, ऐसा क्यों? नहीं, अभी कुछ एक केस हुआ था, सीतामढ़ी का मामला था, आरबी बिस्मिल केस किए थे, उसमें हुआ था क्या कि कुछ मदरसा फर्जीवाड़ा पकड़ाया था, कि जो डीओ रिपोर्ट का दस्तखत कुछ फर्जी दिया गया था, उसके बाद उसे जांच हुई, मदरसा बंद हुआ। उसके केस के हिसाब से पूरे बिहार का जांच हुआ, उसमें दरभंगा मधुबनी हर ज़िले के मदरसा कुछ 10-20-50 पकड़ाए, उसका पेमेंट जो है डीओ निरीक्षण करने आए तो भवन भूमि में कमी पाई गई, भवन भूमि में कमी पाई, उसे इस पर पेमेंट फिलहाल रोक दिया गया था। सारी मदरसा का नहीं, कुछ मदरसा प्रत्येक जिला से, उसमें दरभंगा मधुबनी ज़्यादा हैं जो फिलहाल पेमेंट रुका हुआ है, लेकिन फिर इंशाल्लाह द्वितीय जांच फिर दोबारा होगा, जांच के बाद पेमेंट जल्दी आने वाला है। अच्छा, 339 कैटेगरी के मदरसों का पेमेंट के बारे में? 339 मदरसा का पेमेंट जो है, जब तक कयूम अंसारी साहब थे तो उसकी फाइल बढ़ी थी, जांच भी हुआ था, फाइल सचिवालय भी गई थी। अभी क्या है कि जो आरबी बिस्मिल नाम के केस पे जो फाइल पे जांच हो रही है उसमें इसको छोड़ दिया गया है, तो फिलहाल जो है इसकी फाइल पेंडिंग है, न बोर्ड में इस पर कुछ काम हो रहा है, न जिला में काम हो रहा है, न सचिवालय में काम हो रहा है। ओनली फॉर अभी जो काम हो रहा है, पेमेंट की प्रक्रिया जो हो रही है, 2459+1 की मदरसा की फाइल की पेमेंट की प्रक्रिया बढ़ रही है। 1128 मदरसों के बारे में क्या कुछ कहना? 1128 मदरसा में जो बहाली 2-3 साल से रुकी हुई है, 4 साल से, जो इंशाल्लाह अगले मंथ से चालू होने वाला है, उसमें नियमावली 22 लग गया था, 22 के हिसाब से गजट निकला, उसके हिसाब से बहाली रुक गई थी, एक नियम कानून बना था, उस कानून के वजह से रुक गया था। तो अब इसी मंथ अगस्त के लास्ट तक चेयरमैन आ रहे हैं, मदरसा बोर्ड के न्यू चेयरमैन, तो समझिए सितंबर से उसमें बहाली चालू हो जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे खास करके? हम यही कहना चाहेंगे कि टीचर लोग जो पेमेंट शुदा मदरसा है, टीचर वक्त पर जाएँ, टाइम पर जाएँ, मदरसा को क्या कहते हैं अच्छे से चलाएँ, और मदरसा वैसे ही लालू जी के ज़माने में बदनाम था, और अभी जो नीतीश कुमार मेरे स्कूल के बराबर मदरसा कर दिया गया है, तो आप भी टाइमली जाइए, टाइमली पढ़ाइए, आज जो सैलरी स्कूल के बराबर मिल रही है, टाइम पर मिल रही है, और अपने जो है निज़ाम को दुरुस्त कीजिए, टाइमली दीजिए, आप बच्चे को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दीजिए। मदरसे के बच्चे भी चाहिए कि पढ़ के आई एस आई पी एस डॉक्टर इंजीनियर बने। तो आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छी सोच रख करके बात कर रहे हैं कि हमारे मदरसों के बच्चे भी IPS IAS जैसे ऑफिसर बने। तो हम आपसे निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अपडेट के लिए आप देखते रहिए वीओएस 24 न्यूज़ चैनल। मैं अब्दुल समद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।